Hey guys, welcome back to the channel. This is Sameer and you are watching MSQ Vlog. So guys, हम लोग हैं पड़गा में, पड़गा गांव के संडे बाजार में, ठीक है। और आज भी ये देखो हमारे रजा अंकल आगे चल रहे हैं, सारा सामान लिए हुए। अशरफ भाई है, एक मुर्गी आज भी लिए है, बड़ी मुर्गी है, ठीक है। सो इसको भी अभी ले जाएंगे, बनाएंगे और आज फिर एक बार खाना बनाने का प्रोग्राम होएगा इंशाल्लाह। अशरफ भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, क्या तुम्हारे को बहुत फालतूगिरी लगी बाजारों में घूम रहे? बाजारों में घूम रहे संडे की बाजार है। मोहम्मद भाई काम धंधा? मोहम्मद भाई जरा दिखाओ क्या लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये है अगवान गोस्वामी की पार्टी, ये है अपना मुर्गा, चिकन, ये है लहसुन, ये है टमाटर और ये क्या सब क्या है माशाल्लाह। पूरा ये बनेगा, पूरा 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 बाजार, पूरा सलाद बनेगा इंशाल्लाह। गुड फ्रॉम पेस पार्टी है। लोग बोलेंगे साला खुद अकेले अकेले खा रहे, बुला रहे नहीं है। तो आओ ना, दावत तो है भाई हमारे यहाँ पर, और एक मुर्गा काट देंगे। रोज दावत है अपने यहाँ पे, रोज रोज है ना। चलो चलो भाई चलो। अस्सलाम वालेकुम। रजा अंकल का बर्थडे, हम लोग ने आधी रोटी खाओ, मिलजुल के रहो, मिलजुल के रहो सही है। चलो चलो बच्चे। अच्छा बच्चे, फार्म के बच्चे, बहुत अच्छा बाजार लगता है संडे के दिन का यहाँ पर। मैं भी फर्स्ट टाइम आया यहाँ पर और देखा तो अंदर काफ़ी अच्छा बाजार लगा हुआ और हर एक चीज़, मैंने मेरे घर के लिए ताला लिया हूँ, अच्छा सस्ता मिला यहाँ पर, तो एक नया ताला ले लिया। चाइनीज़ पेरू मिल गया पड़गा के अंदर, और क्या लोगे, पड़गा में चाइनीज़ पेरू मिल गया। मुर्गी बड़ी अच्छी ली यार मोहम्मद भाई, अच्छी हेल्दी माशाल्लाह। कितने किलो की होगी ये? तकरीबन सवा दो किलो की मुर्गी है। सवा दो किलो की मुर्गी, एक मिनट रुको। दो किलो 200 ग्राम की मुर्गी। आज क्या बनाएंगे इसमें? मुर्ग मुसल्लम बनेगा। मुर्ग मुसल्लम बनेगा, ठीक है ठीक है। ये लिए कितने? 200 रुपए की। 200 रुपए की? हाँ 200 रुपए की। 100 रुपए किलो आगे से लिए। ये क्या आगे से? चलो तो पड़गा के बाजार में एक अलग चीज देखने को मिली। चाचा नमस्ते। नमस्ते। क्या बना रहे हो आप? टोचा बन रहा हूँ। टोचा? अच्छा, कोयता वगैरह ये जो खेती के काम में लगता है वो सब आप यहाँ पे रिपेयर करते हो कि बना के देते हो? रिटायरमेंट नहीं है अभी। अच्छा, नहीं रिपेयर करते हो क्या, बना के देते? नया बनाते हो? बैलगाड़ी बनाता हूँ सर, बैलगाड़ी चक्का भी। बैलगाड़ी भी बना देते हैं? अरे वो अच्छा, धक्का भी है इधर पर। आपका नंबर बोलो ना चाचा। 9972737378373757 ये अगर किसी को कोयता और ना अपने मतलब कुछ खेती से रिलेटेड कोई भी सामान बनवाना है आप लोग इनसे कांटेक्ट करें। पड़गा मार्केट के अंदर है ये, पड़गा बाजार में ना, और रोज़ आप रहते हो यहाँ पर। चलो ये देखो माशाल्लाह, ये देखो ये देखो ना, बैलगाड़ी बनाए इन्होंने, आरी बनाए हुए है, सब बनाते हो आप? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये देखो जो है तुम्हारे बोल रहे हैं आज के जमाने में ऐसा दिखने को नहीं मिलेगा। हाँ ये पुराना उसमें बना रहे, मकान भी पुराना और आदमी भी पुराना। पंखा देखो, मकान देखो, गणपति बाप्पा देखो। सही है, हाँ इनके सिवा होएगा नहीं, सही बात है। ये देखो घर देख लो इनका, सही है सही सही सही। चलो चाचू मिलते हैं फिर। हाँ ओके ओके ओके, वेलकम वेलकम है, सही है। मिल के रहो, जा भेदभाव मत करो। ये देखो बाजार देखो, सही है और क्या। ये देखो गाइस, ज़्यादातर हर एक चीज़ ही यहाँ पे मिल रही है। झींगा, सूखा झींगा, सूखी मच्छियाँ भी यहाँ पर है। देखा है तो मेरे ख्याल से मच्छियों के लिए बहुत बोलते हैं स्पेशल बाजार है शायद से ये, क्योंकि हाईवे पे भी ये देखो अचार, हाईवे पे भी काफ़ी दुकानें लगती है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पड़गा सैटरडे संडेज़ के संडे को काफ़ी लोग विज़िट करते हैं मुंबई से, तो यहाँ से अगर किसी को वीक डेज़ में
आपको मतलब कुछ लगता है तो यहाँ से ले जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सस्ता है, रिजनेबल रेट में है सारी चीज़ें यहाँ पर। तो आप लोग अगर यहाँ पर आते हो तो एक विज़िट करो, काफ़ी मज़ा आएगा। ये सब चीज़ें यहाँ मिल रही है, ये देखो। और मैं देख रहा हूँ कि लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं ऐसे वीडियोस भी, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस शूट करूँ, है ना, कि आप लोगों को हेल्प हो जाए और आप लोगों को एंटरटेनमेंट मिल जाए, है ना। ये देख लो, चलो यहाँ चलो गाड़ी की तरफ जाएंगे। हो गया ख़त्म, हो गया खरीदी। मच्छी को दिखाओ, दिखाया भाई, मैं तो बोला ही कि मच्छी का स्पेशल बाजार है ये, है ना, हर संडे के दिन। मुझे नाम तो नहीं मालूम, लेकिन झींगे की अलग अलग प्रजाति है इसके अंदर, बहुत बहुत सारे झींगे हैं, है ना, सही है। पापलेट भी है, सूखी हुई बांगड़े है, सूखे हुए। ये देखो पड़गा मार्केट है, ये पड़गा बाजार है ये, है ना। ये है रोट और टोस, ये भी लिए हम लोग ने। आज सब आ जाओ भाई, अब ये कब बने, वीडियो कब जाएगी पता नहीं, लेकिन दावत तो एनी टाइम ऑन है। जब भी हम लोग फार्म पे रहते हैं कोई भी आ सकता है और हमारे साथ बैठ के एंजॉय कर सकता है। अब हम लोग एकदम फ्री है। सही है, चलो अभी जाएंगे, गाड़ी में रखेंगे और जाएंगे फार्म पर। एकदम हाईवे का शॉर्टकट का रास्ता भी बता देता हूँ। पड़गा में अपन काम कर रहे हैं, पड़गा में अपने फार्म है, इसीलिए तो वीडियो बना है। कभी पड़गा मार्केट अपन ने कवर नहीं, आज फर्स्ट टाइम आए, हाँ। और इसीलिए बना दिया वीडियो के लोग जब आते हैं बम्बई से फार्म पर विजिट करने तो खरीदी कर सकते, काफी हाँ काफी फैमिलीज आती है तो कुछ खरीदी करके ले जा सकते है ना, हर एक चीज मिलती है। और ओरिजिनल ताला जो गोवंडी में 250 रुपए का है ना अशरफ भाई, 150 रुपए का मिला मेरे को, देखो ना 50 रुपए किलो, वहाँ बाजार में कितने अपना अपने 30 रुपए पाव, बम्बई का भाव 30 रुपए पाव लहसुन चल रहा है भाई, और मैंने यहाँ पर 50 रुपए किलो से लहसुन लिया हूँ। पता लग रहा है भाई लहसुन का मैं व्यापार करूँ भाई, मस्त आराम से 1 टन माल लेके आराम से मैं बेचूँ। देखो ये है मुंबई नासिक हाईवे, ठीक है, ये पीछे पड़गा टोल, हमारी है कार और ये गाड़ी यहाँ पे हमने पार्क की, हमारे दोस्त है और हम पार्टी करेंगे आज। हॉस्पिटल 24 आवर्स, ये आप देख ले, इसके जस्ट पास से ये गली गई है, ये गली के अंदर आप जाओगे तो सीधा पड़गा गांव में पहुंच जाओगे, और वहां से आप जो आपको ख़रीदी करना है, संडे के दिन ये बाज़ार लगता है, आप लोग आ सकते हो। ये मुंबई नासिक हाईवे है, ये सीधा आप जाओगे, आगे से लेफ्ट आएगा बोरीवली गाँव का, वो सारे फार्म्स चालू हो जाएंगे। चलो मेरा बैग बाहर ले लो, नहीं कुछ नहीं होगा, नहीं नहीं मुर्गी अंदर भाई, कुछ नहीं होगा, एक मिनट रुको, और जरा जरा ऐसे खड़े रहो, आ जाओ सब आ जाओ, हाँ ये माशाल्लाह, चलो